गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर कंप्यूटर क्लास ऑफ क्लास फर्स्ट. ओके, सो टेक आउट योर बुक. एंड टूडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 1. ओके, सो टेक आउट योर कॉपी, पेंसिल एंड इरेजर एंड ओपन पेज नंबर 11. ओपन पेज नंबर 11. Here is your page number 11. In this page, your exercises started. So, let's start. Open your copy and write lesson 1. And then after, computer, a wonderful machine. That is the name of chapter 1. Okay? Computer, a wonderful machine. Then, write, answer the following questions. Question number first. Name any two machines. Okay? दो मशीन के नेम लिखने हैं. सो क्या होगा? फर्स्ट टेलीविजन एंड सेकेंड टेलीफोन. ये क्या है? आपके टू मशीन नेम है. ओके, टू मशीन्स नेम, फर्स्ट टेलीविजन, सेकेंड टेलीफोन. ओके, and your second question is what is a computer. Computer kya hai? So our answer will be, a computer is a machine which needs electricity to run. Computer kya hai? Ek machine hai jisko chalane ke liye electricity ki avashyakta hoti hai. ओके, व्हाट इज अ कंप्यूटर? ए कंप्यूटर इज अ मशीन विच नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू रन. ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है. फिल इन द ब्लैंक्स using the words given below. Okay, पहले कॉपी में क्या लिखना है? क्वेश्चन एंड आंसर. सेकेंड क्या लिखना है? फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, पहले कॉपी में लेसन 1, उसके बाद लेसन नेम. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन आंसर करने हैं. उसके बाद क्वेश्चन 2 क्या डालना है? फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो. यहां पे नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, इससे हमको क्या करना है? जो सेंटेंस है उसे कंप्लीट करना है इस वर्ड से. ओके, सो फर्स्ट क्या है? मशीन्स मेक आवर वर्क डैश. सो मशीन क्या करता है? मशीन हमारे काम को इजी बनाता है, आसान बनाता है. ओके, हमने क्या स्टडी किया था? मशीन से हमारे काम आसान हो जाते हैं. सो क्या फील करेंगे? इजी. यहाँ पे असिस्टेंस बॉक्स में यहाँ पे इजी दिया गया है, इससे हम लोग यहाँ पे इसमें राइट करेंगे, इससे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे. मशीन्स मेक आवर वर्क इजी. इसको क्या करना है? इसको आपको कॉपी में, अपनी कॉपी में नोट करना है. ओके, सेकेंड क्या है? वी कैन वॉच
डैस ऑन ए कंप्यूटर, हम कंप्यूटर पर देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, सो क्या हो जाएगा, असिस्टेंस बॉक्स देखेंगे, इसमें क्या है, कंप्यूटर है, मूवीज है, इलेक्ट्रिसिटी है, मशीन है, एजी, सो इसमें से हम मूवीज को क्या करेंगे, मूवीज लेंगे और इसमें फील करेंगे, क्योंकि वी कैन वॉच मूवीज ऑन अ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर पे क्या देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं. ओके आप लोग कॉपी में क्या लिखेंगे, नंबर टू, वी कैन वॉच मूवीज ऑन अ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर पर मूवीज देख सकते हैं. ओके थर्ड क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेस्क, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सो क्या फील करेंगे, मशीन, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इसको कॉपी में नोट करना है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. नेक्स्ट क्या है, नंबर फोर, कंप्यूटर नीड्स डैश टू रन, कंप्यूटर को चलाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, कंप्यूटर को चलाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, तो हम असिस्टेंस बॉक्स देखेंगे, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, सो हम नंबर फोर में क्या फील करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू रन, कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमने चैप्टर में स्टडी भी किया था कि कंप्यूटर को चलाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है. ओके सो इसे आप लोग अपनी कॉपी में राइट करेंगे, कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू रन. नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फाइव, वी कैन प्ले गेम्स ऑन ए डैश, हम लोग कंप्यूटर पे क्या खेल सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, सो क्या हो जाएगा, वी कैन प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर, हम गेम खेल सकते हैं किस पर, कंप्यूटर पे. ओके सो इसे आप लोग राइट करेंगे, वी कैन प्ले गेम्स ऑन ए कंप्यूटर. ओके अब हमारे कॉपी के वर्क कंप्लीट हुए, कॉपी पे क्या करना था, लेशन वन डालना था, उसके बाद लेशन नेम, क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन करने थे, क्वेश्चन नंबर टू करने थे, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें हमने फाइव सेंटेंस को कंप्लीट किया. ओके अब यहां हमारा कॉपी का काम कंप्लीट होता है. अब बुक में देखिए आप लोग, बुक में क्या है, ए टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो स्टेटमेंट सही होंगे उसको क्या करने है, हमें उसके सामने करेक्ट का टिक करना है. सो फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मशीन, कौन सा एक मशीन है, ए क्या है, बॉय, बॉय क्या मशीन है, नहीं, सो ये नहीं होगा. सेकेंड क्या है, ब्रेड क्या ये मशीन है, नहीं, सो ये भी नहीं होगा. सी क्या है, एरोप्लेन, एरोप्लेन क्या है, एक मशीन है, सो इससे हम क्या करेंगे, इसके सामने करेक्ट का टिक लगाएंगे. ओके आप लोग भी अपने बुक में टिक लगाइए. नेक्स्ट क्या है, नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन हेल्प्स टू सॉल्व सम्स, प्ले गेम्स, लिसन टू म्यूजिक इटीसी, किस मशीन की हेल्प से, मदद से हम सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं. सो ए क्या है, ऑप्शन ए है ब्लॉक का बैलगाड़ी, क्या इससे हम लोग बैलगाड़ी से सम्स को सॉल्व करेंगे, इससे हम लोग गेम खेलेंगे, इससे हम लोग म्यूजिक सुनेंगे, नहीं, सो ये नहीं होगा. सेकेंड क्या है, कंप्यूटर, और सी क्या है, साइकिल, तो साइकिल भी नहीं होगा, साइकिल से भी हम लोग म्यूजिक नहीं सुनेंगे,
और इससे हम लोग सम्स को सॉल्व भी नहीं करेंगे, इसे कैलकुलेशन, ऐड करना, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ नहीं होगा। ये सब किससे होगा? नंबर बी से। कंप्यूटर पे हम लोग क्या कर सकते हैं? गेम खेल सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो क्या करेंगे हम? बी के सामने करेक्ट का टिक लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है? पॉइंट बी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। जो स्टेटमेंट सही होंगे उसके सामने हमें क्या लिखना है? ट्रू लिखना है, और जो स्टेटमेंट रॉन्ग होंगे, जो गलत होंगे, उसके सामने हम क्या लिखेंगे? एफ फॉर फॉल्स। जो स्टेटमेंट सही होंगे उसके सामने ट्रू राइट करना है, जो स्टेटमेंट रॉन्ग होंगे उसके सामने फॉल्स राइट करना है। सो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है मशीन्स आर मैनमेड थिंग्स। जो मशीन है क्या वो मैनमेड थिंग्स है? ये मानव निर्मित है, आदमियों द्वारा बनाया गया है। सो यस, ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। मशीन आदमियों द्वारा बनाया गया, ये मानव निर्मित होता है। सो इसके सामने हम क्या राइट करेंगे? ट्रू, टी आर यू ई। ओके, सेकेंड क्या है? मशीन्स वेस्ट आवर टाइम। क्या मशीन आपके टाइम को वेस्ट करता है? नहीं, मशीन हमारे टाइम को क्या करता है? सेव करता है, ये हमारे टाइम को बचाता है। ओके, सो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। सो इसके सामने क्या राइट करेंगे? फॉल्स, एफ ए एल एच ई। नेक्स्ट क्या है? पॉइंट नंबर थ्री, कंप्यूटर इज नॉट अ मशीन। कंप्यूटर एक मशीन नहीं है। सो ये स्टेटमेंट भी क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सो ये क्या है? स्टेटमेंट क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। सो इसके सामने भी क्या राइट करेंगे? फॉल्स, एफ ए एल एच ई। नेक्स्ट क्या है? नंबर फोर, कंप्यूटर रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। यस, कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। यस, तो ये क्या है? स्टेटमेंट सही है। सो इसके सामने क्या करेंगे? ट्रू राइट करेंगे, टी आर यू ई। नेक्स्ट क्या है? नंबर फाइव, कंप्यूटर कैन नॉट डू मेनी काइंड्स ऑफ वर्क। कंप्यूटर क्या अलग प्रकार के कामों को, बहुत से प्रकार के कामों को नहीं कर सकता है? नहीं, ये स्टेटमेंट भी क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि कंप्यूटर पे बहुत से प्रकार के काम हो सकते हैं, लाइक कैलकुलेशन करना, ओके, सॉल्व सॉन्ग्स, प्ले गेम्स, लिसन टू म्यूजिक, मतलब कंप्यूटर पे बहुत प्रकार के काम हम कर सकते हैं। और इसमें क्या दिया है? कंप्यूटर कैन नॉट डू मेनी काइंड्स ऑफ वर्क। क्या कंप्यूटर अनेक प्रकार के काम नहीं कर सकता है? सो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। सो इसके सामने क्या करेंगे? फॉल्स राइट करेंगे, एफ ए एल एच ई। सो हमारा ए कंप्लीट हुआ, बी कंप्लीट हुआ, सी भी कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्या है? डी। डी क्या है? मैच द ऑब्जेक्ट्स शोन इन कॉलम ए विद देयर नेम्स गिवन इन कॉलम बी। यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी दिए गए हैं। कॉलम ए में क्या है? ऑब्जेक्ट्स है, और बी में उनके नेम है। हमको क्या करना है? जो जिसका नेम है उसको मैच कराना है। ओके, तो फर्स्ट क्या है? रोज। रोज क्या है? फ्लावर है, और इसमें फ्लावर कहाँ दिया गया है कॉलम बी में? नंबर डी में। सो फर्स्ट को क्या करेंगे? डी से मैच करेंगे। ओके, आप लोग भी बुक में मैच कीजिए। सेकंड क्या है? मंकी, और मंकी कहाँ पे दिया गया है? सी में। सो सेकंड को क्या करेंगे हम? सी से मैच कराएंगे। ओके, नंबर थ्री क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब, और इलेक्ट्रिक बल्ब कहाँ दिया गया है? नंबर बी में। सो थ्री को क्या करेंगे? बी से मैच कराएंगे। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है? ये किस चीज की फिगर है? ये है कंप्यूटर, और कंप्यूटर कहाँ पे दिया गया है नेम? नंबर ए में। ओके, सो फोर को क्या करेंगे? ए से मैच कराएंगे। ओके,
सो हमारा पॉइंट डी भी कंप्लीट हुआ. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन भी हमने कॉपी में कर लिया है. अब क्या है, क्रैक द कोड. ए पुट ए टिक फॉर द मशीन्स एंड अ क्रॉस फॉर द अदर इन द बॉक्सेस नेक्स्ट टू द पिक्चर्स. ओके, नीचे देखिए बुक में आप लोग, इसमें बुक में फिगर्स दिए गए हैं. हमको क्या करना है, मशीन्स के सामने करेक्ट का टिक करना है और अदर्स जो है उसके बॉक्स में हमें क्रॉस लगाने हैं. सो फर्स्ट क्या है, बनाना. तो बनाना मशीन है नहीं, सो इसके सामने क्या करेंगे, हम इस बॉक्स में क्रॉस करेंगे. सेकंड क्या है, बस. ये क्या है, मशीन है. सो इसके सामने क्या करेंगे, करेक्ट का टिक लगाएंगे. थर्ड क्या है, न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर मशीन है नहीं, सो इसके सामने बॉक्स में क्या करेंगे, क्रॉस लगाएंगे. नंबर फोर क्या है, कंप्यूटर. कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है. सो इसके सामने करेक्ट का टिक लगाएंगे. नंबर फाइव भी क्या है, मशीन नहीं है. सो इसके सामने भी बॉक्स में क्रॉस लगाएंगे. नंबर सिक्स, ये भी क्या है, टेबल डेस्क. ये भी लकड़ी का क्या है, टेबल. ये भी मशीन नहीं है. सो इसके सामने भी बॉक्स में क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे. सेवन है रेफ्रिजरेटर, फ्रिज. सो इसके सामने बॉक्स में क्या लगाएंगे, करेक्ट का टिक लगाएंगे. एट क्या है, स्टेपलर. ये भी क्या है, एक मशीन है. सो इसके सामने भी करेक्ट का टिक लगाएंगे. ओके, और नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है, नंबर नाइन, वॉच. सो ये भी क्या है, एक मशीन है. तो इसके सामने बॉक्स में क्या करेंगे, करेक्ट का टिक लगाएंगे. ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, बी फाइंड एंड ट्रेस द फॉलोइंग वर्ड्स इन द वर्ड ग्रिड. यहां पे बॉक्स में देखिए वर्ड दिए गए हैं और हमको क्या करना है, इसे ट्रेस करना है. सो ये क्या है, फर्स्ट है कंप्यूटर. सो हम देखेंगे कंप्यूटर कहाँ पे बन रहा है, सी O M P U T E R. ओके, हमने ट्रेस किया कंप्यूटर को और इसको क्या करेंगे, पेंसिल से इसको बॉक्स के अंदर कर देंगे. ओके, नेक्स्ट क्या है, मशीन. अब मशीन देखेंगे कहां पे बन रहा है, तो यहां पे देखिए M A C H I N E. सो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम लोग पेंसिल से बॉक्स के अंदर कर देंगे. नेक्स्ट क्या है, एबाकस. ये कहां पे बन रहा है, यहां पे देखिए ए बी ए सी यू एस. सो इसे हम लोग पेंसिल से बॉक्स के अंदर कर देंगे. ओके, नेक्स्ट क्या है, क्रैन. क्रैन देखेंगे इसमें कहां पे बन रहा है. सो यहां पे देखिए फर्स्ट लाइन में सी आर ए एन ए. सो इसे हम लोग पेंसिल से बॉक्स के अंदर कर देंगे. ओके, सो हमने यहां पे क्या किया, वर्ड को ट्रेस किया और उसे पेंसिल से बॉक्स के अंदर कर दिया, एक बॉक्स के अंदर कर दिया. फर्स्ट क्या था हमारा, कंप्यूटर. सेकेंड था मशीन और थर्ड था एबाकस और फोर्थ था क्रेन. ओके, नेक्स्ट देखिए सी क्या है, सर्कल द पिक्चर्स ऑफ द मशीन्स दैट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी. बुक में फिगर देखिए आप लोग, बुक में फिगर दिए गए हैं. हमको क्या करना है, उस मशीन को सर्कल बनानी है जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है. उस पिक्चर को हमको क्या करना है, सर्कल बनाना है. उस पिक्चर पे हमें सर्कल बनाने हैं. ओके, सो फर्स्ट क्या है, वॉशिंग मशीन. ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है. सो इसको हम लोग क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे. इसको हम लोग सर्कल के अंदर करेंगे.
बी कंप्यूटर, कंप्यूटर भी क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है। सो सेकेंड को भी हम क्या करेंगे, इस पिक्चर को भी हम सर्कल बनाएंगे। थर्ड साइकिल, साइकिल नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चलता है। फोर्थ क्या है, कार, ये भी इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चलता है। फाइव मशीन, ये भी इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चलने वाला है। और नंबर सिक्स क्या है, फैन, फैन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये भी किस पे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। सो इसे भी हम लोग सर्कल बनाएंगे। ओके, सो ये था हमारा चैप्टर वन का एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर जो हमने कंप्लीट किया। ओके, सो हमारा चैप्टर वन आज कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इसे आप लोग अच्छे से लर्न कीजिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज का पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, और आज की हमारी क्लास यहीं ओवर होती है। थैंक यू।